नमस्कार, मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। देश में नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य असम और मिजोरम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। जैसे दो राज्य नहीं बल्कि दो देश को 26 जुलाई को खुली जंग किया। अभी ठंडी भी नहीं हुई कि रविवार को इस आग में फिर से घी डाल दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये दोनों राज्य सीमा विवाद को लेकर ऐसे ही झगड़ते रहेंगे कि आपसी रजामंदी से या मन चैन का माहौल कायम करेंगे। लेकिन असम और मिजोरम ही नहीं बल्कि देश के 17 ऐसे राज्य जो सीमा विवाद से लेकर कुछ और मुद्दों पर आपस में झगड़ते रहते हैं। असम मिजोरम हिंसक झड़प की आग की आंच अभी ठंडी नहीं हुई है। 26 जुलाई को हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों राज्यों के बीच चिंगारी फिर से भड़क उठी। रविवार को असम के लैलापुर में मिजोरम जा रहे 9 वाहनों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ने बीच बचाव की कोशिश ही नहीं की। हालांकि केंद्र सरकार असम और मिजोरम सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असम का सिर्फ मिजोरम से सीमा विवाद नहीं है, असम का उससे अलग हुए मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल से भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमा विवाद सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का ही मसला है, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों का भी अपने पड़ोसियों से सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सीमा विवाद अंग्रेजों के जमाने से ही है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच के विवाद भाषाई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार का विवाद प्राकृतिक है। हर साल बारिश में गंगा अपने बहने का रास्ता बदलती है और यही बदलाव विवाद का कारण बन जाता है। वैसे तो असम मिजोरम का विवाद 100 साल से ज्यादा पुराना है। दोनों राज्यों के बीच विवाद करीब 820 वर्ग किलोमीटर के जंगल को लेकर है। असम के जंगलों पर मिजोरम अपना दावा करता है। दोनों राज्यों के बीच ये विवाद 1950 से चल रहा है। ब्रिटिश राज में 1875 में इनर लाइन एग्रीमेंट से सीमा तय हुई थी, लेकिन 1993 में अंग्रेजों ने इसे बदल दिया था। असम से अलग होकर मिजोरम 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में राज्य बना। इसके बाद से असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद बढ़ता ही गया, लेकिन केंद्र सरकार समेत असम और मिजोरम शांतिपूर्ण स्थायी समाधान चाहते हैं। स्थायी समाधान इस समस्या का दोनों राज्यों को मिलकर के ही करना पड़ेगा और एक बाउंड्री कमीशन बने और बाउंड्री कमीशन जो सीमा तय कर दे, दोनों राज्य उसको मान ले, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। खाली मिजोरम नहीं है बल्कि बाकी 7 स्टेट जो है नेबरिंग, सब लोगों ने कुछ ना कुछ असम का जमीन का हिस्सा और बड़े बड़े बीघे के हिसाब से उन्होंने हड़पा है, तो उसको वो जल्द से जल्द खत्म करें। मिजोरम की दलील है कि ब्रिटिश इंडिया ने 1875 में इनर लाइन नोटिफिकेशन के तहत जो बॉर्डर तय की थी उसे मान्यता दी जाए, जबकि असम का तर्क है कि 1875 का इनर लाइन नोटिफिकेशन सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य से था, उसे कछार असम और लुशाई हिल्स मिजोरम की सीमा नहीं माना जा सकता। असम का मिजोरम ही नहीं अरुणाचल से भी सीमा विवाद है। असम और अरुणाचल एक दूसरे पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते रहे हैं। 1979 से अरुणाचल प्रदेश असम के 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। अरुणाचल और असम के बीच 805 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1972 में असम से अलग होकर अरुणाचल अलग राज्य बना। दोनों राज्यों के बीच दरांग, धेमाजी और जोनोई जिले को लेकर विवाद है। अरुणाचल का आरोप है कि जिन मैदानी इलाकों को असम को दिया गया है वहाँ अरुणाचल के लोग रहते हैं। 2005 से 2014 के बीच दोनों राज्यों के बीच काफी तनाव रहा, हिंसक झड़पें भी हुई। फिलहाल दोनों ही राज्यों ने विवादित क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है। मिजोरम और अरुणाचल की ही तरह असम का विवाद मेघालय से भी है। 1969 से मेघालय असम के 2765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है। 1970 में मेघालय असम से अलग हुआ और 1972 में पूर्ण राज्य बना।
दोनों राज्यों की सीमा 885 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मेघालय असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 को स्वीकार नहीं करता है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद कायम है। सरकारें और स्थानीय लोग एक दूसरे के क्षेत्र में कब्जे कर रहे हैं और इसे लेकर कभी भी विवाद की स्थिति बन सकती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ही नहीं बल्कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भी मराठी अस्मिता के नाम पर हिंसा होती रही है। 1956 से कर्नाटक के 814 गांवों के 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मराठी भाषी रहते हैं। महाराष्ट्र इस हिस्से को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। हालांकि कर्नाटक और महाराष्ट्र का ये मसला पूरी तरह से राजनीतिक है और दोनों ही राज्य इन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले साल एक विवादित बयान देकर इस मुद्दे को हवा दे दी थी। उन्होंने कहा था कि बेलगाम समेत कुछ इलाके कर्नाटक ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र हैं। इस पर कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि इस विवाद के लपेटे में उत्तर प्रदेश और बिहार भी है। यूपी और बिहार का विवाद 62,000 एकड़ जमीन को लेकर है। 1883 के लैंड सर्वे के आधार पर बने नक्शे की वजह से विवाद होता है। 100 साल पुराना ये विवाद यूपी के बलिया और बिहार के भोजपुर और रोहतास जिले में है। जब भी गंगा अपना बहाव बदलती है तब नई और उपजाऊ जमीन बनती है। इसी को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। बिहार की ही तरह उत्तर प्रदेश का सीमा विवाद हरियाणा से भी है। यहाँ भी जब नदियाँ रास्ता बदलती हैं तो विवाद का रास्ता तैयार हो जाता है। लेकिन असम और मिजोरम का खूनी झड़प सामने आने के बाद नई बहस खड़ी हो गई है, क्योंकि असम और मिजोरम के बीच हुए हिंसक झड़प ने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि एक ही देश के दो राज्य इतने बड़े जानी दुश्मन कैसे हो सकते हैं। और अब बात उस अच्छी खबर से करते हैं जो हमारे अन्नदाता से जुड़ी हुई है। वो किसान जो अपने हौसले और जीवंतता की वजह से आज भी 135 करोड़ की आबादी का पेट भरते हैं, वो भी सीमित संसाधनों की बदौलत बिना उफ किए हुए। लेकिन आज का दिन उनके लिए खुशखबरी लेकर आया। दरअसल मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9वीं किश्त जारी कर दी है, जिसके बाद लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में 2000 किश्त जमा हो गई, जो कोरोना की मार के द्वार में किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। जी हाँ, कोरोना का जो काल चल रहा है ऐसे में अब ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं आका जा रहा है। अब ना ऋण और ना सूद खोरों का डर। अपने खेतों में काम कर रहे इन किसानों ने खेती से जुड़ी इन चिंताओं को त्याग दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसने देश के करोड़ों किसानों को आत्मनिर्भर बनने का मौका थमा दिया। हौसले के इसी सिलसिले को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की 9वीं किश्त जारी कर दी। देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऐलान के बाद देश के करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए की किश्त आ गई। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिसका असर छोटे छोटे किसानों की खेती के तौर तरीकों पर भी दिखने लगा है। गोवा की रहने वाली किसान प्रतिभा राम वेलिपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो जमीन के एक ही टुकड़े पर कई तरह की फसलें उगा रही है। अच्छा प्रतिभा जी, बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया गया कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्चे में अच्छी पैदावार होती है।